नाजरीन आप देख रहे हैं इंट्रिक्स न्यूज 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंट्रिक्स न्यूज को, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। नाजरीन, जैसा कि आप जानते ही हैं, कोविड वबा के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र लॉकडाउन नाफिज किया गया है और लॉकडाउन के नरमी के दौरान अवाम को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दी गई है और 1 घंटे का इजाफा दिया गया है ताकि अवाम अपने घरों को पहुँच सके। पर अवाम इतनी छूट के बावजूद 6 बजे के बाद भी, यानी लॉकडाउन के दौरान भी, बिला वजह बाहर घर से निकल रहे हैं और गैर ज़रूरी सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारा, जहां गोलकुंडा पुलिस के वसी इंतजाम टोली चौकी चेक पोस्ट पर मौजूद है और पुलिस गैर ज़रूरी फिरने वालों को पुलिस चालानात कर रही है और जायज़ वजूहत की बिना पर लोगों को जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस गाड़ियों की तलाशी और उनसे पूछताछ कर रही है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रौफ ने टोली चौकी का मुकम्मल जायजा लिया। देखते हैं अब्दुल रौफ की ये रिपोर्ट। मजीद जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंट्रिक्स न्यूज़ से और कमेंट ज़रूर करें। नाजरीन आप देख रहे हैं इंट्रिक्स न्यूज़। नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल हम टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे एकदम जो है ना HK प्लाजा के सामने है। यहाँ पे टोली चौकी पुलिस की जानिब से जो है ना बैरिगेड्स लगाए गए हैं। नाजरीन आप देख सकते हैं 6 बज गए, 6 बजे तक जो है ना रिलैक्सेशन टाइम था, लेकिन 6 बजने के बाद जो भी गाड़ियों से जो है ना वापस हो रहे हैं या फिर जा रहे हैं, जो बगैर कोई वजूहत के बाहर निकले हैं, तो वैसे गाड़ियों को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं राजू सर है और शफी भाई हमारे साथ है यहाँ पर, और लॉ एंड ऑर्डर की जानिब से जो है ना यहाँ पे बहुत जो है ना सख्ती से जो है ना यहाँ पे गाड़ियों को रोका जा रहा है और व्हीकल चेकिंग्स की जा रही है। जो वजूहत से बाहर निकले हैं उनको चेक करके छोड़ा जा रहा है। जो बगैर कोई वजूहत के बाहर निकले, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो को भी रोका गया है, वो साइड कार को भी रोका गया है और टू व्हीलर्स को भी रोका जा रहा है। यानी पर्टिकुलर रीजंस अगर किसी के नहीं है तो उनके गाड़ियों को यहाँ पे रोका जा रहा है और उनको चालाना डाले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे गोलकुंडा के राजू सर है हमारे साथ, हम और मजीद हमारे राजू सर से बात करते हैं। सर सर बताइए सर, ये व्हीकल्स को जो रोक रहे हैं सर आफ्टर 6 o'clock, तो उन पर कौन से चालान किया जा रहा है सर? अभी लॉकडाउन का टाइमिंग है ना, 5 बजे पूरा बंद करना है जी सर। उसे 6 बजे तक घर को जाने के लिए टाइम दिए गए, उसके बावजूद भी लोग बाहर फिर रहे, इसलिए जो 6 बजे के बाद आते हैं ना उन लोगों को अपना लॉकडाउन का फॉलो नहीं कर रहे करके उन लोगों के ऊपर 1000 रुपया वो चालान डाल रहे जी। अभी मतलब 1000 रुपये वही चालान डाल रहे सर, या उसके हटके कोई पेंडिंग चालान हुए हैं तो उसका भी कुछ? नहीं, खाली वही चालान, वही। थैंक यू वेरी मच सर। तो नाजरीन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रूल्स को वायलेट कर रहे हैं और जो 6 बजे का जो टाइमिंग दिया गया था उसको फॉलो नहीं करके जो बगैर कोई वजूहत के जो बाहर निकल रहे हैं, तो वैसे गाड़ियों को जो है ना यहाँ पर रोक कर चालानात डाले जा रहे हैं। ये हमारे गोलकुंडा की पुलिस है, हमारे साथ पवन सर है और जो है ना हमारे गोलकुंडा के जवान भी देख सकते हैं आप यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही जो है ना सख्ती से यहाँ पे गाड़ियों को रोका जा रहा है और चालानात डाले जा रहे हैं। हमारे साथ जो है ना हमारे कौन है, ये हमारे मधु राव सर है और हमारे पवन सर है और हमारे यहाँ पे जनार्दन सर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।